Good morning. Very good morning. पहले शुरुआत मेरी होती थी सिर्फ गर्म पानी के साथ, आजकल होती है आपके साथ सुबह सुबह लो प्रभु का नाम, लेकिन हम ले रहे हैं आपका नाम। गर्म पानी काफी सालों से मैं पी रही हूँ और सभी कहते हैं कि ये अच्छा होता है और मुझे भी लगता है अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, पेट साफ करने के लिए अच्छा है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग कहते हैं, लेकिन मेरे को ये दोनों चीजें बहुत बेस्ट लगती है कि स्किन साफ रहती है इससे और पेट साफ रहता है। तो मैं काफी सालों से पी रही हूँ, तो आप भी पीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलो आज मैं आपको मॉर्निंग टूर कराती हूँ, मतलब मॉर्निंग में मेरा क्या शेड्यूल है। सुबह पहले पानी, फिर 15-20 मिनट या आधा घंटा बाद चाय। तो चलो अब मिलते हैं चाय के साथ 10 मिनट के बाद। बहुत अच्छा लगता है, बस इसके साथ मैं चाय एंजॉय करती हूँ और मुझे कड़क चाय पसंद है। सब लोग चाय पीते हैं या नहीं पीते, ज़्यादातर लोग पंजाबी तो सब चाय एंजॉय करते हैं। सुबह सुबह आज हवा नहीं चल रही है वैसे, नहीं तो हवा पे चाय अच्छा लगता है। With jewelry, with music, सुबह की शुरुआत अच्छी है, सब कहते हैं, पुराने लोग भी कहते थे, समय अच्छा गुजरता है। नेचर के साथ हाय, अब ये हमारी मॉर्निंग टी का टाइम है, तो आओ अपना मॉर्निंग टूर मैं देती हूँ आपको। आइए दिखाती हूँ कहाँ पे मेरा टी होती है। सुबह सुबह काम है, चाय पीती हूँ, अपनी चाय को एंजॉय, अपनी मॉर्निंग को एंजॉय करती हूँ। ये हमारी छोटी सी बालकनी जिसको मेरे हस्बैंड ने बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से और बहुत अच्छे से सजाया है और मैं तो सिर्फ इंजॉय करती हूँ, कभी कभी पानी देती हूँ, कभी कभी सजेस्ट करती हूँ कि ये वाले पौधे हटा दो, ये लगा दो, बाकी सारी मेहनत उनकी होती है और मस्ती मेरी होती है। बस ये हमारा छोटी सी बालकनी जो मैं आपको पूरी तरह से दिखाती हूँ। ग्रीन 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 ऊपर से भी आ रही है हमारी, ऊपर वाले फ्लोर से, और इधर ये सारी ग्रीन ग्रीन। इसमें करी पत्ता, तुलसी, अजवाइन जो हेल्दी होते हैं काफ़ी, वो सारी चीज़ें। तुलसी भी 2-3 तरह की है और फ्लावर्स, आजकल मौसम है फ्लावर्स का तो फ्लावर्स हैं। ये हमने छोटी छोटी चीज़ें लगा के डेकोरेट किया है, मतलब कुछ भी अच्छा, कुछ भी डिफरेंट, कभी इसको हटा दिया, कभी इनको लगा दिया, कभी ये वाले पौधे लगा दिए, कभी दूसरे पौधे लगा दिए, कभी वहां से यहाँ ले आए। ये सारी मेहनत मेरे हस्बैंड करते हैं और अब भी कर रहे हैं और मेरे पैर तक दिखा दिए हैं कभी कभी चाय पिला के काम करवा रही हूँ और मैं मस्ती में चाय पी रही हूँ और हल्का सा म्यूजिक, कभी भजन, कभी कीर्तन, कभी वाहेगुरु सिमरन और कभी मस्ती सिमरन, बस यही चलता है सुबह का। अब मैं आपको कोई रेसिपी दिखाऊंगी और रेसिपी बताऊंगी। नाश्ते में परांठा, पोहे, पास्ता, पास्ता तो नहीं खाते हम मॉर्निंग में, लेकिन बना लेती हूँ। तो चलो अब मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। के अनुसार तैयार हूँ आपको नाश्ता कराने के लिए।
तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल सूजी का चीला। चीले बना रहे हैं। चीले के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, एक बाउल लिया खाली, उसमें हम डालेंगे एक कटोरी सूजी। अभी सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ और दिखा रही हूँ। ये एक कटोरी सूजी, और इसमें एक चम्मच डेढ़ चम्मच डालेंगे दही, और आधी कटोरी पानी। ये हम थोड़ा सा मिक्स करके रख देंगे फूलने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, और इसमें डालेंगे कट करके प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, और ये सारी छोटी छोटी बारीक कट के इसमें हम मिक्स कर देंगे। और उसके बाद सारी चीज़ें जब ये 10 मिनट हो जाएंगे तो, और इसी दौरान मैं चाय अपने लिए बना रही हूँ, जो मुझे बताया है कि टी लवर हूँ, और वो चाय बन रही है। चाय के साथ साथ इसको 10 मिनट हम रेस्ट देते हैं। सूजी इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, सारी सब्जियां, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर जो कट कर लिया, मैं इकट्ठा ही मिक्स कर लेती हूँ छोटा छोटा बारीक बारीक, और उस सब को इसी में मिक्स कर लेंगे। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। अब आप भी बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको। ये देखिए, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, और भी जो आप, अगर आलू पसंद है तो हाफ बॉयल एग भी डाल सकते हैं, सॉरी पोटैटो एग भी डाल सकते हैं, मतलब मैंने बनाया हुआ एग डाल के भी। तो इसमें एक तो एज इट इज उसको बॉइल करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अगर थोड़ा सा आपको रखना है, हम दो लोगों के लिए ये बहुत रहता है। पानी आधी पौना कटोरी लग जाती है, फूल जाते हैं जब, बिल्कुल इस तरह से, ना ज़्यादा हार्ड थिक, ना ज़्यादा थिक, ना ज़्यादा लिक्विड। इसमें अब डालना है हमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, जैसे आपको पसंद है। मैं इसमें इतना डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, और अगर कलर देना है तो आप हल्दी भी डाल सकते हो, और बिना उसके भी बना सकते हो। मैं थोड़ा सा हल्दी दे रही हूँ, वैसे हल्दी नहीं डालते क्योंकि ये बेसन वाला फिर लुक देता है। और हल्की सी काली मिर्च, थोड़ी सी, सब चीजें आपको अपने स्वाद अनुसार लेनी है, और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप डालेंगे फ्राई पैन में
मैं देसी घी यूज करती हूँ। वैसे रिफाइंड में बन सकता है, ऑलिव ऑयल में बन सकता है। धनिया है ताकि कुछ रेडी करते हुए बर्निंग आए, और जब सब रेडी हो जाता है तो मैं बैठ के बनाती हूँ, कुक करती हूँ, क्योंकि मेरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा देर नहीं खड़ी होती हूँ, और प्रिकॉशन के तौर पे मैं थोड़े छोटे ब्रेक लेती रहती हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गैस फ्लेम पे हमने गरम कर लिया है। ये थोड़ा सा पक जाता है हल्का सा, तो इसके ऊपर मैं डालती हूँ थोड़ा सा सफ़ेद तिल और हेल्दी करने के लिए। ये आपके अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इसके डालती हूँ मैं 4 मग्स, अभी थोड़े से स्वादानुसार जैसे आपको अच्छा लगे, जितना ऑप्शनल है ये चीज़ें डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहे नहीं डालें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और इसलिए मैं ये है भूरा नारियल कोकोनट, ये भी थोड़ा सा मैं डालती हूँ इसके ऊपर। बहुत अच्छे से कुक हो रहा है, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर स्प्रेड करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि जब करते हैं तो गिरे नहीं। और इसे ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। और ये जो सारी चीज़ें ऊपर डाली हैं ये एक्चुअली मेरी सिस्टर बनाती हैं, वो डालती हैं, तो उन्होंने मुझे जब बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी इसको ऐड करके डालती हूँ। और अब अगर आप नहीं डालते हैं तो आप भी ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी हो जाता है। और भी सारी चीज़ें आपको पता है कि हेल्थ के लिए अच्छी हैं, वैसे मैं इतनी हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ें अच्छी हैं अगर पता लगता है तो अगर ऐड कर सकते हैं तो ऐड तो कर ही सकते हैं, तो अच्छा लगता है, स्वाद लगता है, मज़ेदार लगता है। तब ये कुक हो रहा है और तब तक मैं चाय अपने लिए डाल लूँ। ये धुआं दे रहे हैं आप, अच्छा कुक हो रहा है इससे। लोग कहते हैं कि खाना बनाते हो गए खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, इंजॉय करना चाहिए सब चीज़ों को, खुश होके करना चाहिए। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा थोड़ा हो गया, अब इसको हम इस तरह से पलट रहे हैं और एक तरफ से थोड़ा सा लाल ज़्यादा हो गया है झुक के, और ये सारा अच्छे से पक चुका है। अगर 2 मिनट और आपसे बातें करती रहती तो सड़ सकता था, लेकिन नहीं, अच्छा करारा बना है। ये देखिए नाइस, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम सर्व करते हैं। मैं आपको
सर्व करके देती हूँ और टेस्ट करके बताइए कि चाय के साथ और हल्की सी दही भी आप चटनी में डाल सकते हैं ग्रीन वाली चटनी के अंदर, और अच्छा और टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा भी खाते हैं, लेकिन ऐसे कभी बताया नहीं उन्होंने कि वाह मम्मी मजा आ गया, लेकिन हाँ अगर उन्होंने अच्छे से खा लिया तो अच्छा, लेकिन मैं हर चीज को थोड़ी मस्ती से थोड़ी इंजॉय से लेती हूँ। चलो मैं अब आपके लिए सर्व करती हूँ। ये रही हमारी प्लेट जिसमें टमाटो सॉस का स्टाइल देते हुए थोड़ा सा मस्ती मारते हुए मैंने ये है और इसको इस तरह से इसमें सर्व करेंगे और इसके फॉक के साथ एंजॉय करना चाहें तो चाय के साथ, और अगर अंदर क्योंकि यहाँ पे अब गर्मी है अंदर जाके आराम से बैठ के ओके एंजॉय योर लाइफ एंजॉय योर डे बाय Love you. Good day.